बुआ बन गई है, हेलो तो बुआ बन गई है। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रोशित पंगाल। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो दोस्तों, आज सेम टी शर्ट में ही हूँ मैं, क्योंकि भाई कल वाला व्लॉग इसी टी शर्ट में एंड करा था और अब इसी टी शर्ट में नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया। सो कोई नहीं, आपको कोनी से मिलाते हैं। कोनी मैडम अपने अंदर वेल्पिंग बॉक्स में बैठी हुई है। लो फाइनली आप लोगों को दिख गया कि कोनी अपने वेल्पिंग बॉक्स में बैठी हुई अंदर बैठे है, आराम से बैठा था ये। अभी फिर ये मैं जब फोन उठाया तो इस साइड में हो गया। और गर्मी लग रही है इसको, गर्मी मतलब कि मैंने टेम्परेचर 27 पे सेट कर दिया है, देख सकते हो आप। और मैंने जो इसकी जो फैन स्पीड है वो बिल्कुल लो कर दी है, और जो ये है ना स्विंग मोड बिल्कुल बंद करके सीधा ये बेड के ऊपर यहाँ गिर रहा है, वहाँ नहीं जा रही है। सो सिर्फ माहौल रूम पे 27 करा हुआ है, ठंडा करा हुआ, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 35 के आसपास है। सो अंदर का टेम्परेचर ना ये 27 टू 28 के आसपास, 27 के आसपास होगा रूम का, तो ये करना जरूरी है भाई। सो दोस्तों, कोनी को ना इसका स्पेस दे देते हैं, सो रही है। सुन लो, और इस चीज़ को बेयर करना यार, मैं बार बार बता रहा हूँ कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, नहीं तो मैं इसे पेंट करता प्रॉपर तरीके से। पिंक कलर सोचा हुआ था मैंने, बट यार इतना टाइम नहीं था। अगर अभी भी कर दूंगा ना सो स्मेल आएगी पेंट की, और आपको पता है पेंट की स्मेल जाती नहीं है जल्दी, तो इसलिए मैंने करा नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए करेंगे। और यहाँ पर ट्रेज लगाई हुई है मैंने, ये फ्लोरिंग, ताकि ये देखो आप देख सकते हो आराम से रह जाए, इस पर चला जाए और जो इनका फीकल मटेरियल है वो नीचे आ जाए और वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ साफ हो जाएगा। भाई देखो हमारी हेलो मैडम, थोर का खाना पहले ये टेस्ट चेक करेगी कि सब चीज सही है या नहीं। मेरे भाई को खाने दूंगी, तभी भाई को खाने देती है ये। फूड इंस्पेक्टर है कोई, मतलब कुछ मिला तो नहीं रखा, कुछ गलत तो नहीं मिला दिया। सबसे पहले आएगी, सब कुछ चेक करेगी, दही तक भी चेक करती है, दही भी कुछ भी निकाले देती, इसका पहले कुछ टेस्ट करेगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं जिस ब्रांड पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ अपने पेट्स के लिए, उनकी सप्लाईज के लिए, वो है पेटविट। और आपने हमारे चैनल पे देख लिया कि कितने सारे प्रोडक्ट्स मैं इनके यूज करता हूँ। तो आप सब लोगों के लिए मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पेटविट एक कंपनी है जो आपके पेट केयर के लिए काम करती है, पेट केयर के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। उनके पास ये अपने सप्लीमेंट्स है, वाइप्स है, ग्रूमिंग वगैरह, सिरप वगैरह, सो न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीजों का ध्यान देते हैं आपके पेट्स के लिए। बहुत अच्छी चीज है, नो एडिड अल्कोहल, नो एडिड पैराबेन, और भाई साहब सबसे अच्छी बात फ्रेग्रेंस फ्री है। सो ऑन दिस इंटरनेशनल पेट डे पेटविट आ रही है बड़ी मेगा सेल लेके, और सारे पेट लवर्स के लिए एक नंबर का मौका है भाई, बहुत मस्त मौका है कि आप अपने पेटविट के प्रोडक्ट, सारे कोई भी प्रोडक्ट आप 99 रुपीज में परचेज कर सकते हो। सो इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो कि मैं इनके सारे प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, और आप मेरे से पूछते हो ना कि भाई आप कौन सी कंपनी का शैम्पू यूज करते हो। इवन अपनी जो कोनी है वो अभी उसने बच्चे दिए हैं, सो इससे पहले भी जो जस्ट थोड़ी डिलीवरी से पहले भी मैंने इसको अपने पेटविट के ही शैम्पू से निलाया था। तो आप लोगों को भी इस सेल का ना फायदा उठाना चाहिए। 10th of April से 12th of April के बीच में ये सेल रहेगी। सो भाई जल्दी जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, और जल्दी जल्दी जाके amazon.in पे या फिर petvetin.com जो साइट है इनकी, वहां से आप सेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जल्दी जल्दी जाओ भाई। और भाई कोनी की तुमको बताता हूँ एक बात, कोनी ले रही है मेरे मजे, सीधी सी बात है। आज पापा 2 बजे के आसपास मैंने सोचा कि ठीक है भाई, कोनी क्या अपना बच्चे दे दे, तो 2 बजे के आसपास मैडम उठी है ऐसे मटक मटक के, वेल्पिंग बॉक्स में जाके बैठ गई मम्मी, ठीक है। और 2 बजे के बाद पापा 1.5 से 2 घंटे तक बैठी रही, मैं सोचा देगी भाई, भाई 1.5 घंटे तक मैं उसकी आंखों में मतलब उसके पास बैठा रहा। जब मैं थोड़ा सा साइड में, मैडम उठी यार, अपने उठ के साइड में जाके बैठ गई, मैं यार कोनी क्यों मजे ले रही है मेरे, मगर देने तो दे दू दे यार पापा दोस्तों। व्लॉग करने की सिचुएशन नहीं है, बट मैं फिर भी आपको अपडेट दे रहा हूँ कि कोनी की अब डिलीवरी होने वाली है। ये देख सकते हो आप, ये पीछे से बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही लिक्विड निकल गया इसका, सारे मेडिकेशन वगैरह सब चीजें मैंने यहाँ रखी हुई है। सो कोशिश करूंगा कि आप व्लॉग बना पाऊँ। ये इसके लिए हमने बच्चों के लिए टब बना दिए, रेडी करते हैं कोनी अपने वेल्पिंग बॉक्स में जाने के लिए। बैठ जाओ बेटे, इसको तकलीफ हो रही है भाई। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो मतलब हमने इस चीज में आके एक चीज तो इतनी अच्छी पा ली कि एक अच्छा भाई मिल गया, और इतना अच्छा भाई मिल गया कि रात के पूरे 11 बज रहे हैं कि अब कोनी की डिलीवरी हो रही है। तो रचित ने मनोज को फोन किया, और मनोज भाई मात्र 10 मिनट में
अपने घर यहाँ पे पहुंच गए। तो थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू यार, बहुत थैंक यू। तो भाई मारने वाले ये मतलब बोलने की जरूरत नहीं है इस चीज में। चलो भैया क्या लग रहा है, किस टाइम तक मतलब कितना टाइम रह रहा है अभी? दस मिनट। हमारे कोनी खुद ही आके बैठ गए वेल्पिंग बॉक्स में। टांग आ गई भैया, टांग डालेंगे आपकी आके बच्चा भी। कपड़ा कौन सा है? कोई भी ले लो, छोटा कपड़ा। इसकी पहले सेंटा तो नहीं आई भैया, वो जिस पे वो काट नहीं थी, वो उसके साथ जैसे बच्चे ने वो खुला था ना जो लिख रहा था, लिख उसमें उससे निकल गया ना उसका। लो भाई पहला मेल। कोनी पहला बच्चा हो गया तेरा। भैया देखो एक बात तो साबित होगी, सीधी सी बात है, वो ऐसे कह देते हैं ना कि मतलब कमी थी कुछ थे, वो आगे आ गई है ना। तो फीमेल ने बच्चे दिए, सारों ने हाथ लगा लिए, ठीक है, किसी ने मतलब इसने कुछ भी नहीं कहा। अभी भी पापा ने भी हाथ लगाया और मैंने भी लगाया, भैया ने भी लगाया और बच्चे भी उठा के खुद ही लगाया, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आ जाओ भैया असिस्टेंट है। हां हम तो ऐसे काम नच रहे निकालो, इतनी देर थोड़ा लगती है इसमें। ओए को रखो भाई, इतना टाइम थोड़ा लगना चाहिए। ये क्या है? इसे दो मेल, दो मेल आए भाई। कौन है मैडम के? अभी दोनों को चाट के प्यार करेगी। कौन सा पहला था भैया? जो ड्राई वो होगा, ये था पहले, ये होगा पहले, ये पाया वो आदमी बाप बन गया। तू बाप दो बच्चे कर दिए, दोनों थोरी कर दिए, दोनों थोरी अभी तक। मुबारक हो, दो मेल हो गए। तू बुआ बन गई है, लो तू बुआ बन गई है। चलो दोस्तों अभी देखते हैं और चलते। मैंने उनको अपने हाथ से शायद चटाया था दोनों को। सो ये देखो दोनों बच्चे दूर पी रहे हैं। दोस्तों इस दौरान क्या हुआ है, हमारे दो बेबीज और हो गए हैं और वो भी दोनों मेल हैं, ठीक है। सो इस दौरान ये हुआ है और वो वाली क्लिप जो थी ना वो मैंने शूट करी हुई है, बट वो दूसरे कैमरे में करी हुई है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगा क्योंकि वो कैमरा इस टाइम मेरे पास है नहीं सर। अब मैं बुकिंग ओपन कर रहा हूँ इन बच्चों की। चार बच्चे हुए हैं, चारों चारों मेल है। और हाँ आगे आगे मैं इनको यूकोनी को यू कहूंगा, वो आप देख लोगे कि बेटा एक बेटी तो दे दे, एक बेटी तो दे दे यार, सारे बेटे दे दिए। तो मैं मजाक कर रहा था। सो चार मेल है, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बहुत हेल्दी बच्चे हुए हैं जो कि आपने देख लिए होंगे अब तक, ठीक है। और हाँ चार बच्चे हैं तो इनकी ग्रोथ अच्छी ज्यादा होगी। एक तो सात आठ बच्चों पे ध्यान दे, मदर सारा फीड मदर सात आठ बच्चों में डिवाइड हो और एक चार बच्चों में, तो ऑब्वियसली बात है समझदार आदमी समझ जाता है। सो इन बच्चों का प्राइस नॉन नेगोशिएबल होगा और माइंड सेट तैयार करके आना कि ये नॉर्मल रेट पे नहीं होंगे जिसको भी लेने हैं। हाँ मेरे यूं है भाई कि अगर मेरे ऐसे, मैंने जैसे डॉग ट्रेनिंग शुरू करी हुई है, सो मुझे भी है कि मैं पपी रखूं इनमें से, शायद मैं एक रखूं क्या तो दो भी रख लूं और इनको प्रॉपर गार्डिंग वाली ट्रेनिंग दूंगा मैं, प्रॉपर जो गार्डिंग वाली होती है, और वो उसका और मजा है। जिसने भी बच्चे लेने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेट डोमेस्टिक का नंबर है, आप कॉल कर सकते हो और आप बुक कर सकते हो अपने बच्चे। सो व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों 2:15 हो गई है और हम फिफ्थ बच्चे के इंतजार में है। मैंने कोनी को कहा था कि फीमेल लाइयो, कान में बोल के आया हूँ मैं उसके, बट ये थोड़ा सा जोर तो लगा रही है, तो मेरे को होप है कि फिफ्थ है।
बाकी पता नहीं यार, चार बच्चे तो बिल्कुल सही तरीके से दूध पी रहे हैं अपने मम्मी का। मेरे को तो लग रहा है एक और है शायद, वो भी पक्का नहीं है, पर ये देखो चाट रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से कोने निश्चिंत हो गए रहेगी अब तो कोने खास करवा रही थी कई देर से, अब तो आराम से बैठे कोने, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा शायद एक है क्योंकि बीच बीच में जोर लगा रही है। कोनी को पापा ने कहा कि तुम बेटा इधर आ जाओ, एक सेकंड में पड़ गई पूरी। कोनी अब थक चुकी है। हाँ थक गया ये बेचारी, थकान तो होती है। दोस्तों कोनी ने मेरे से पानी मांगा था, मैंने इसको दे दिया, इसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, सब बाहर आ गई थी तो सुसु कराई है ये और पानी मांग रही थी, मैंने दे दिया। दोस्तों सुबह के 4:30 बज गए और पापा सो रहे हैं और कोनी के बच्चे दूध पी रहे हैं, चार लाइन में दूध पी रहे हैं सारे। अभी मैंने इन सबको लगा दिया है, सारे दूध पी रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी बहुत ज़्यादा सो हम बारी बारी से सोएंगे, पापा सो रहे हैं फिर मैं सोऊंगा। कोनी खाना खा रही है भाई, सुबह के 6:30 बज गए, मैंने बीच में नैप ले ली थी 2 घंटे की, तो खाना खा रही है अपना, थोड़ा सा टहल ले फिर चलते हैं नीचे। चले जिस अंदर तो दोस्तों कोनी आ गई और कोनी की नहीं सारी सफाई कर दी है प्रॉपर, और ये यहाँ दरी बिछा दी अंदर ताकि ये साफ रहे, नीचे से भी सारा साफ कर दिया। एक्चुअली काम वाले आंटी को ना इस फ्लोर पे आने के लिए मना करा हुआ है, सो ये खुद ही करना पड़ रहा है मेरे को, तो ये खुद कर दिया सारा। और अब कोनी को अंदर बिठा दूंगा मैं, जल्दी जल्दी सफाई करके इसी चलाता हूँ एक बार और तो फिर आपको अपडेट देता हूँ। खाना खा रहा है भाई, हेलो सुती पड़ी है, मैं कैसा फील हो रहा है आपके छोटे छोटे बच्चे होने के बाद? अच्छा आपने कैसे पता चला? पता कैसे चला? क्या बता दिया आपने? छुट्टी ले पागल। अच्छा छुट्टी ले है। हेलो कोनी खाने के लिए वेट कर रही है, इसका एग सबसे ज्यादा फेवरेट है, सो इसका मैं खाना तैयार कर रहा हूँ। देख सकते हो आप भाई इसको क्या खाना मिल रहा है, इसको रॉयल कैनाइन मिल रहा है स्टार्टर, वो पड़ा देखो ठीक है, ये कैनाइन अपने एग्स रखे हैं और ये अपना पनीर है, ये सारा मिक्स करके इसको खाना मिलेगा। 3 टाइम खाना मिलता है इसे भाई, वहाँ शेड्यूल लिखा हुआ है, 3 टाइम अलग अलग थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर करके चीजें वो मैडम को मिलती है। सो क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जैसा आप खाना खिलाओगे मदर को वैसे ही बच्चे बनेंगे, क्योंकि अभी तो भाई बात क्या है कि अभी बच्चे ऊपर से थोड़ी खाना खाएंगे, जो खाएंगे वो मदर जो फील करेगी वो ही खाएंगे। सो ये मैं मिक्स कर रहा हूँ, ये मेरी बेटी को खाना दे देता हूँ मैं। कोनी अच्छा कोनी का स्टैंड बनाया हुआ है मैंने, परफेक्ट स्टैंड। आज इस टाइम जिस टाइम मैं ये क्लिप शूट कर रहा हूँ, इस टाइम अपने बच्चे ऑफिशियली पूरे 1 दिन के हो गए हैं ठीक है, सब चीज़ सही है। बट आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 2 दिनों से सोया नहीं हूँ, ना पापा सोए, पापा भी आज पापा की नींद पूरी हुई होगी और मम्मी की भी, बट मैं नहीं सो पाया हूँ भाई, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा यार। हैट्स ऑफ टू ऑल जो ब्रीडर्स हैं, जो मतलब जो रियल ब्रीडर्स है, जो रात रात भर जा के इन बच्चों की सेवा करते हैं भाई, ये आसान बात है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट आँख लगती है, इतने में आवाज़ आ जाती है मेरे को, मैं तो कान ऐसे खड़े है कि मतलब छोटी छोटी आवाज़ से मैं खड़ा हो जाता हूँ ठीक है। और ये तो थैंक गॉड कि कोनी इतनी अच्छी है, ये खुद देख देख के चीज़ें करती है सारी, बट फिर भी यार कि सिर्फ 10-10 मिनट के गैप में फिर उठना पड़ जाता है। पूरी रात मेरी ऐसे निकली है, और नहीं ऐसे सोचना मत कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अभी कुछ सुबह के, ये देख सकते हो सुबह के 3:43 AM हो गए हैं ऑलमोस्ट, मतलब कि सुबह के 4 बज चुके हैं। सो ठीक है भाई, एफर्ट्स के लिए हमारे बच्चों की दुआ करना कि हमारे बच्चे हेल्दी रहे ठीक है। देखो भाई किस हमारे हाथ में मेहनत करना है, हम वो कर रहे हैं, प्रिकॉशंस लेना है वो कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें बस नेचर के हाथ में है। सो थोड़ी सी दुआ करते रहना कि सब चीज़ सही रहे ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब बनता है यार, 1,50,000 करने हैं अब तो। अपनी गैंग जाग जाओ भाई, RP गैंग सो रही है मुझे लग रहा है, तो
ठीक है, या फिर यूट्यूब हमारे साथ साजिश कर रहा है, दोनों में से कुछ एक चीज तो है ही। तो अपनी आरपी गैंग या तो जाग जाओ, नहीं भाई यूट्यूब समझ जाओ, सीधी सी बात है। 150,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, मुझे नहीं पता, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपके, बाय बाय।